अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मटन और शिमला है, तो बहुत ही मज़े की बनती है और यकीनन आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी मैंने मटन लिया है और इसको गला लिया अच्छी तरह, इसकी बोटियाँ गल गई हैं और इतना सूप मैंने रख लिया है। 6 बड़े टमाटर मैंने ले लिए हैं, उनको कट कर लिया है। और इसी तरह ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो इसका बीज का हिस्सा होता है वो मैंने काट लिया है क्योंकि उसमें रेत होती है, तो उसको मैंने काट के फेंक दिया। 3 बड़े मैंने प्याज ले लिए हैं, उनको स्लाइसेस में कट कर लिया है। 5 शिमला ले लिए, उनको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिए है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो शुरू करते हैं हम पकाना। ये गोल्डन ब्राउन करने तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, ये मैंने इस तरह ब्राउन कर लिए सारे प्याज, तो इनमें से थोड़े से इतने से बचा के और बाकी मैं ग्राइंड कर लूँगी। जो टमाटर पहले काटे थे आपको दिखाए थे, तो उनमें ग्राइंड कर लेंगे सारी चीज़ें। और जो सूप हमने बनाया था, बोटियाँ गला ली थी, सूप में से मैंने निकाल ली हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं बोटियाँ। ये बोटियाँ फ्राई हो चुकी हैं, तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं ऑयल से, ये फ्लेम बंद कर देते हैं। बोटियाँ मैंने निकाल ली हैं फ्राई करके, और ये 2 तेज़पात हैं और 4 मिर्ची हैं, ये मैं फ्राई कर लूँगी। और ये 3 इलायची हैं, छोटी इलायची, 3 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 जायफल का टुकड़ा है और 1 जावित्री का टुकड़ा है, और 2 इलायची, ये दालचीनी के टुकड़े। ये सारी चीज़ें फ्राई कर लूँगी। ये फ्राई हो गई मसाले, तो इनको निकाल लेते हैं और इनको ग्राइंड कर लेते हैं। जो प्याज और टमाटर मैंने ग्राइंड करने हैं उनके अंदर ही डाल के सारे मसाले ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम ये मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ऐसे मोटा मोटा कूट लिया, इनको ऐसे गोल्डन कर लेंगे। ये गोल्डन हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो अभी जो मैंने पेस्ट बनाया टमाटर प्याज ब्राउन किए थे वो सारा वो शामिल करने लगे। सारा शामिल कर लेंगे, ये सारा पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है और भी बाकी मसाले शामिल करने लगे। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 पिंच में निगेलस ही डाल रही हूँ कलमंजी, और 1 पिंच मेथी डाले हैं, ये इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसलिए मैं हर आंडी में डालती हूँ। और 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ये कसूरी मेथी है, और 1/2 टी स्पून काली मिर्च, 1/2 टी काला नमक है, और 1 टेबल स्पून जीरा है, ये मैं शामिल कर रही हूँ सारे मसाले। नमक अभी मैं और नहीं शामिल करूँगी क्योंकि मैंने जो सूप बनाया है उसके अंदर मैंने 1 टी स्पून डाला था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और इनको मसालों को भून लेते हैं। अभी हम ये जो बोटियाँ फ्राई की थी ये भी साथ शामिल कर लेते हैं। ये तकरीबन बन चुका है हमारा मसाला, तो अभी हम इसमें सूप शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूप हमने रखा हुआ था, थोड़ा शामिल करते हैं मसाला। हम इसमें शिमला शामिल कर लेते हैं जो हमने काट रखी थी। पाँच मिनट के लिए मैं दम दे दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं ये उतार रही हूँ कवर। ये शिमला भी गल गई है, तो अभी मैं हरी मिर्ची शामिल करूँगी।
दो लेमन का जूस में शामिल कर रही हूँ, पल्प समेत डाले तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। मैं बटर शामिल कर रही हूँ, घर का बटर है जो मैंने घर बनाया, बाहर वाले भी आप यूज़ कर। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं। गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, मिक्स कर लेते हैं। सारे मिक्स कर लिए तो अभी मैं जो प्याज फ्राई की बचा के रखी थी वो शामिल कर रही हूँ। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े की माशाल्लाह कढ़ाई बनी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कैसी बनी। ओके, अल्लाह हाफिज़।